गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे घटनास्थल, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के मोरबी में एक सस्पेंशन ब्रिज के गिरने से मरने वालों की संख्या सोमवार सुबह तक बढ़कर 141 हो गई है। राजकोट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अशोक यादव ने मीडिया से इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि मोरबी जिले में रविवार शाम 6:30 बजे मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूट गया था। हादसे के समय पुल पर 300 से अधिक लोग मौजूद थे। यह पुल 233 मीटर लंबा और करीब 100 साल पुराना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कहा, गुजरात में दिल दहलाने वाली घटना हुई है। इस घटना में बच्चों समेत कई लोगों की जान चली गई। हादसों पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन पूरे देश की भावनाओं को झकझोर देने वाली इस घटना ने लोगों को आहत और दुखी कर दिया है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिवंगत की आत्मा को शांति मिले। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर कहा, गुजरात के मोरबी में पुल गिरने की घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। हम बहुमूल्य जीवन की क्षति पर भारत सरकार और भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोरबी में हुई दुर्घटना को लेकर कहा, मृतकों के परिवार को जल्द सरकार की ओर से राहत दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के कई नेता घटनास्थल पर पहुंचे हैं और अशोक गहलोत भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। हम अभी इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने बताया कि 132 शवों को निकाला गया है, 2 लोगों के लापता होने की सूचना है। एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया है। 2 लापता लोगों के मिल जाने के बाद संभवतः सर्च ऑपरेशन बंद किया जाएगा। कल वहां के लोगों और प्रशासन ने 170 से ज्यादा लोगों को बचाया है।